छुड़ावे वाला। यहोशू के मुवाला की बात इसराइली लोग परमेश्वर का उल्लंघन कैले, वो लोग परमेश्वर के नियम के पालन ना कैले और वो लोग वो वादा के देश से बचल कनानी लोग के बाहर ना निकलले। इसराइली लोग अपनी सही परमेश्वर के यहवा के छोड़ के कनानियन के देवतन के उपासना कैल शुरू कैले। इसराइली लोग के कोनो राजा ना रहले, यही से जेके जेवन सही लागल उहे कैले। परमेश्वर का आज्ञा ना मानला के कारण इसराइली लोग एगो तरीका के शुरू कैले जेवना के कई बार दोहरावल गइल बा। ई तरीका से ए प्रकार से चलल कि कुछ बरिस तकले इसराइली लोग परमेश्वर की आज्ञा के ना मनिहे, तब उ लोग के उनकरी दुश्मन से हरावे के खातिर दंड दीहे। ई दुश्मन इसराइली लोग से उनकरी चीज के लूट लीहे, उनकरी संपत्ति के नाश कर दीहे और उ लोग में से बहुत लोग के मार दीहे। फिर जब इसराइली लोग के दुश्मन उ लोग पे कई बरिस तक अत्याचार करी हैं, ओकरी बाद इसराइली लोग अपनी पाप से पश्चाताप करी हैं और परमेश्वर उ लोग के बचावे के खातिर प्रार्थना करी हैं। हर बार जब इसराइली लोग पश्चाताप करी हैं तो परमेश्वर उ लोग के बचाई हैं। उ एगो छुड़ावे वाला के कारण ऐसन करी हैं, एगो ऐसन जन के जवन उ लोग की दुश्मन से लड़ी हैं और उ लोग के हरा दी हैं। तब देश में रही और छुड़ावे वाला उ लोग पे अच्छा से शासन करी हैं। परमेश्वर उ लोग के बचावे के खातिर बहुते छुड़ावे वाला के भेजले। परमेश्वर पासे में का एगो दुश्मन जाति मिद्यानियन के कारण इसराइली लोग के हरावे के खातिर फिर से ऐसन कैले। मिद्यानियन 7 बरिस तक ले इसराइली लोग के फसल के लूटले। इसराइली लोग बहुत डेरा गईल रहले और उ लोग गुफा में छिप गईले ताकि मिद्यानी लोग उनके खोज ना पहे। आखिरकार अपना के बचावे के खातिर उ लोग परमेश्वर के पुकारले। गिदोन नाम का एगो इसराइली आदमी रहे। एक दिन उ एगो छिपे वाला जगह में गेहूं झाड़त रहे ताकि मिद्यानी लोग उके चुरा ना पावे। यहोवा का स्वर्गदूत गिदोन के पास आके उनसे कहलस, हे सुरवीर सुरमा, परमेश्वर तोरी साथ बाड़े, जा और इसराइली लोग के मिद्यानी लोग से बचावा। गिदोन के पिता के पास एगो मूर्ति का एगो बेदी रहे। सबसे पहली बात ई कि जीवन परमेश्वर गिदोन के करे खातिर कहले कि तोह के ओ बेदी के तोड़े के बा, लेकिन गिदोन लोगन से डरात रहले। यही से उ रात होखे का इंतजार कैले। तब उ ओ बेदी के तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा क दिहले। उ परमेश्वर के खातिर एगो नया बेदी बनैले और ओ पर परमेश्वर खातिर बलि चढ़ावले। सुबह भइला पे लोग देखले कि केहू बेदी के तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा क दिहले बा। ये सही उ लोग बहुते खिसिया गईले। उ लोग गिदोन के मारे खातिर उनकरी घरे गईले, लेकिन गिदोन का पिताजी कहले, तू लोग काहे के अपनी देवता का मदद करे के कोशिश करत बाड़ा जा। यदि उ देवता बाड़े तो उनके अपन खुद के रक्षा करे द, काहे से कि उ ऐसन कहले। यही से उ लोग गिदोन के ना मरले। तब इसराइली लोग के लूटे के खातिर मिद्यानी लोग फिर से अयले। उ लोग इतना रहले कि गिनात भी ना रहले। गिदोन उ लोग के विरोध में लड़े के खातिर इसराइली लोग के एक साथ बुलावले। गिदोन परमेश्वर से दूगो चीन का मांग कैले कि ताकि उनके विश्वास हो जा कि परमेश्वर सही में उनके इसराइल के लोगन के बचावे के कहत बाड़े। पहला चिन्ह खातिर गिदोन भेड़ का ऊन के जमीन पर रख के परमेश्वर से कहले कि सुबेरे का ओस खाली भेड़ के ऊन पर पड़े और जमीन पर ना पड़े।
परमेश्वर ओसही कैले। अगली रात उ परमेश्वर से कहले, जमीन भीज जा, लेकिन भेड़ का ऊन सूखल रहे। परमेश्वर इहो कह दिहले, ई दूगो चिन्ह के कारण गिदोन विश्वास कैले कि परमेश्वर सही में चाहत बाड़े कि हम इसराइली लोग के मिद्यानी लोग से बचाई। तब गिदोन सिपाही लोग के अपनी पास बुलैले और 32,000 आदमी अइले, लेकिन परमेश्वर उनसे कहले कि ई बहुत ढेर बाड़े। तब गिदोन वो सब 22,000 के घरे वापिस भेज दिहले, जेवन लड़ाई से डेरात रहले। परमेश्वर गिदोन से कहले कि ई आदमी बहुत ढेर रहले हा, यही से गिदोन 300 सिपाही लोग के छोड़ के बाकी सबके घरे भेज दिहले। वही रात परमेश्वर गिदोन से कहले, मिद्यानी लोगन के छावनी में जा औरी उ लोग के बात सुना। जब तू सुनिहा कि उ का बात करत बाड़े, तो वो लोग पर हमला करे से मत डरइहा। यही से वही रात गिदोन नीचे उ लोग के छावनी में गईले औरी उ एगो मिद्यानी सिपाही लोग के अपनी दोस्त से उ बात करत औरी बतावत सुनले, जेवन की उ सपना में देखले रहले। वो आदमी का दोस्त कहले, इस सपना का अर्थ बाकी गिदोन सिपाही लोग हम मिद्यानी सिपाही लोग के हरा दी हैं। जब गिदोन ई बात के सुनले तो परमेश्वर का स्तुति कैलन। तब गिदोन अपनी सिपाही लोग के पास लौटले औरी उ लोग में से हर जना के एगो एगो नरसिंहा, एगो माटी का बर्तन औरी एगो चिराग दिहले। उ लोग ओ तंबू के घेर लिहले जहाँ की मिद्यानी सिपाही लोग सुतल रहले। गिदोन के 300 सिपाही लोग अपन चिराग के अपनी कुछ चीज ढकले रहले, यही से मिद्यानी लोग उ चिराग के उजियार से देख ना पैले। तब गिदोन कुल सिपाही लोग के अपने सामान के एक ही समय पर तोड़ के अचानक से चिराग के आग में बदल दिहले। उ लोग नरसिंहा फुकले और चिल्लैले, यहोवा औरी गिदोन का तलवार। परमेश्वर मिद्यानी लोग के घबरा दिहले, यही से उ एक दूसरा के मारे काटे लगले। तुरंत गिदोन उ सूचना दे वाला के बहुते दूसरी इसराइली लोग के मिद्यानी लोग के पीछा करे में उ लोग के मदद करे के बुलावे खातिर भेजले। उ लोगन में से बहुत लोग के मार दिहले औरी बकरियन का पीछा करके ओके इसराइल देश से बाहर निकाल दिहले। ओ दिन 120,000 मिद्यानी लोग मारल गईले। ये तरह से परमेश्वर इसराइल के बचावले। उ लोग गिदोन के आपन राजा बनावल चाहत रहले, लेकिन गिदोन उ लोग के ऐसन ना करे दिहले। लेकिन उ लोग से उ सोना का जेवरात मंगले, जेवन की ओमे से हर एक मिद्यानी लोग से लुटले रहले। उ लोग खूबे ढेर गिदोन के सोना दिहले। तब गिदोन वो सोना से एगो खूबे बड़ियार कपड़ा बनवावले, जैसे कि महापुरोहित पहनेला। लेकिन आदमी लोग उनकर आराधना करे शुरू कर दिहले, जैसे कि उ एगो मूर्ति हवे ओ सही के। तब परमेश्वर फिर से इसराइली लोग के दंड दिहले, काहे से कि उ लोग मूर्ति का उपासना कैले रहले। परमेश्वर उ लोग के दुश्मन के उ लोग के हरावे खातिर योग बनैले। आखिरकार उ लोग फिर से परमेश्वर से मदद खातिर प्रार्थना कैले औरी परमेश्वर उ लोग के पास वो लोग के बचावे खातिर एगो दूसर केहू के भेजले। इहे बात कई बार भइल, इसराइली लोग पाप करी हैं, परमेश्वर उ लोग के दंड दी हैं, उ पछताप करी हाँ जा और परमेश्वर लोग के छुड़ावे खातिर केहू दूसरा के भेजी हैं। कई बरिस तकले परमेश्वर बहुते छुड़ावे वाला के भेजले।
जेवन की इसराइली लोग की उनकरी दुश्मन से बचावले। आखिरकार उ लोग दूसरी देश की तरह परमेश्वर से अपनी खातिर एगो राजा का मांग कैले। उ लोग एगो ऐसन राजा चाहत रहले कि जेवन की बड़ियार और शक्तिशाली रहे और लड़ाई में उ लोग के अगुवाई कर सके। परमेश्वर के ई निवेदन पसंद ना आएल, लेकिन उ लोगन के ओइसने राजा दिहले जैसन की उ लोग मांग कैले रहले। न्यायो अध्याय 1-3, 6-8, पहला समुएल 1-10 से एगो बाइबिल का हिस्सा